आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जो कि बहुत जल्द लागू होने वाला है, और इसके लागू होने के बाद एक पुरुष वर्ग को इससे क्या फायदा मिल सकता है, ऐसे लोग जो कि पारिवारिक मामलों से परेशान हैं उनके लिए इसमें क्या ऐसे पॉइंट हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद हो सकते हैं, और इस कानून का किस तरीके से लिव इन पर असर पड़ेगा इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये एक ऐसा कानून है जो कि सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी देने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो बना करके दिया जाए इस चैनल पर, आपको उससे संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको उस पर वीडियो बना करके दिया जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपने कभी किसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट में मेंशन किया था, आपने उस पर डिमांड की थी वीडियो के लिए, लेकिन आज तक आपको उस पर वीडियो बना करके नहीं दिया गया है, किसी वजह से वो मिस हो गया है वो टॉपिक आपका, तो आप फिर से हमें एक बार रिमाइंड करवाइए कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको इस टॉपिक पर पूरी जानकारी चाहिए वीडियो के माध्यम से, तो उस पर भी आपको वीडियो बना करके जरूर दिया जाएगा। आपके कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम जरूर ध्यान रखते हैं और उस पर भी हम आपको वीडियो बना करके देते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक ऐसा कानून है जो कि बहुत जल्द लागू होने वाला है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान कोड, एक समान संहिता। तो कोई भी, चाहे वो लिंग के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, सब पर एक ही समान कानून लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और ये बहुत जल्द पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसे जो सबसे पहले जिसने इसे अपने लागू किया है वो है गोवा, और इसके बाद बहुत ये चीजें बहुत ज्यादा इस वक्त में है कि हाँ इसे पूरे देश में लागू किया जाने वाला है, और बहुत जल्द ये प्रस्ताव जो है, ये जो संहिता है, ये बहुत जल्द लागू होने वाली है। अब इसमें क्या आपको फायदा मिल सकता है, लिव इन रिलेशनशिप पर इसका क्या फायदा जा सकता है, इस तरह की सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, आपको इसके बारे में हम बताएंगे, आपको इसकी जानकारी देंगे। तो अगर हम बात करें पारिवारिक मामलों की, तो सबसे पहले जो मामले आते हैं, अगर आप पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई भी विवाद चलता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जबकि पति भी ये चाहता है कि अब उसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे हिंदू लॉ में कुछ ऐसे पॉइंट ही मेंशन किए गए हैं डाइवोर्स को लेकर के जो केवल पति को मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे ही पॉइंट हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसके बेस पर केवल पति जाकर के डाइवोर्स ले सकता है, कुछ ऐसे हैं जिन पर केवल पत्नी ले सकती है। अगर इसके बारे में हमने आपको बहुत बार हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में आपको इस बारे में जानकारी दी है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत ही कम ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर जाकर के एक जो पुरुष है, एक जो मेल है, पति है, वो जाकर के तलाक ले सकता है। लेकिन अगर हम उसे फिर देखें तो हम ये पाएंगे कि जो महिला है उसके पास बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट हमारे हिंदू लॉ में दिए गए हैं जिनके बेस पर, जिनके आधार पर वो महिला तलाक ले सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो इसका सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि पति और पत्नी दोनों के लिए एक बराबर ग्राउंड होंगे, एक बराबर आधार होंगे जिन पर कि वो डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। तो अभी जहां पर उनके पास अलग अलग ग्राउंड हैं और ऐसे बहुत कम ग्राउंड हैं जिन पर कि पति अपने साइड से जाकर के डाइवोर्स के लिए का आधार बना सकता है, तो फिर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो दोनों के ग्राउंड जो है वो समान हो जाएंगे। ये जब ड्राफ्ट जो तैयार हो चुका है जब लागू हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इस बात की भी संभावना है कि हमारे आईपीसी सीआरपीसी में जो कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनके बेस पर महिलाएं उनका फायदा उठा रही हैं, और पुरुष वर्ग के पास ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी धारा नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है जिनके आधार पर वो खुद जा करके कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ कोई केस कर सकते हैं। आज के टाइम पर क्या है कि अगर एक महिला है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो 498 ए में चली जाएगी, लेकिन अगर एक पुरुष है जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी पत्नी के द्वारा, जैसा कि किया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही केवल प्रताड़ित होती हैं, प्रताड़ित पुरुष भी होता है, एक पति भी प्रताड़ित हो रहा है, उसकी भी ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से ही प्रताड़ित होता है और मानसिक रूप से ही प्रताड़ित होता है, लेकिन आज के समय में अभी उसके पास ऐसी कोई धारा नहीं है, ऐसे कोई भी कानून उसके लिए नहीं बना है कि वो कोर्ट में जाए और जाकर के अपनी पत्नी के खिलाफ
498A या ऐसी किसी भी धारा में जाकर के कंप्लेंट फाइल करा दे, FIR करवा दे। तो जब ये ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ये जब लागू हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा इसकी भी संभावना है कि ऐसा जो ऐसी कुछ धाराएं हैं जो कि केवल महिला पक्ष को ही पूरा अधिकार देती हैं, तो वो भी बराबर के अधिकार में, अधिकार पति पक्ष को भी बराबर का हो जाएगा। कि जिस तरीके से एक महिला 498A का फायदा उठा रही है, इसी तरीके से एक पुरुष भी इस तरह की किसी धारा का फायदा उठा करके और ऐसी किसी धारा में जाकर के अपनी पत्नी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान संहिता, लिंग का बिल्कुल भी न मेल फीमेल में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, किसी धर्म में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसा आज के समय में अगर कोई मुस्लिम है, अब वो अगर अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहे तो उसे अलग से बताना पड़ता है कि हाँ वो किस तरीके से डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं, सकता है या सकती है, या फिर उसके लिए किस तरीके से वो उनको अपने लिए अपने अधिकारों की मांग करनी है। तो जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम जो भी रहेंगे उनके जो हमारे जो फैमिली लॉ है वो भी एक समान हो जाएंगे, उनमें भी किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अब अगर हम लिव इन की बात करें तो लिव इन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? लिव इन आज के समय का बहुत ही ज्वलंत एक पॉइंट है जो कि बन गया है। लड़के और लड़की दोनों लिव इन में रहते हैं और जब उनके बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जाकर के लड़की क्या करती है, वो उस लड़के के ऊपर झूठी झूठी धाराओं में केस करवा देती है। जबकि फैक्ट ये होता है कि रहती तो वो भी अपने मन से ही अपनी इच्छा अनुसार लड़के के साथ रहती है, उनके बीच में जो भी संबंध बनते हैं वो उनकी इच्छा से ही बनते हैं। लेकिन जब उनके बीच में किसी भी तरह की कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वो उन चीजों का फायदा उठा करके जाके उस लड़के के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ भी झूठी धाराओं में केस करवा देती है। तो लिव इन के लिए भी इसमें बहुत ही एक अच्छा पॉइंट निकाला गया है कि अगर कोई भी कपल है जो कि लिव इन में रह रहे हैं तो इसको उनको इसका वेरिफिकेशन देना होगा, उनको इस बात को डिक्लेयर करना होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ वो रह रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे उन पुरुषों को फायदा होगा जिनके ऊपर इस तरह की, जब वो लिव इन में रहते थे और जब उनके बीच में किसी तरह का विवाद हुआ उसके बाद उस लड़की ने उनके ऊपर झूठा केस करा दिया, जैसे कि उन्हें झूठे रेप के केस में फंसा दिया या इस तरह के कुछ ऐसे केसेस करा दिए जिनकी वजह से आज वो उनका परिवार और वो दोनों की ही लाइफ वो बर्बाद हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए भी इस तरह का ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको इस कोड में कवर किया गया और जब ये लागू हो जाएगा तो आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, इसी चैनल पर देंगे और इसमें आपको और भी किस किस तरीके का फायदा मिलने वाला है ये जब ये लागू हो जाता है, इसका पूरा जब क्लियर हो जाता है इसका फॉर्म कि किस इसमें किन किन पॉइंट को मेंशन किया गया है, किन किन चीजों को इसमें लाया गया है, तो इसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल में इस वीडियो पर जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पर आपको पूरी जानकारी चाहिए, लॉ से रिलेटेड आपका कोई भी पॉइंट है, आपके किसी भी कोई ऐसा आपका केस चल रहा है जिससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसे उसके पॉइंट हैं, टर्म है उसमें जो कि आपको नहीं समझ में आते हैं, तो आप उससे भी संबंधित आप जानकारी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपने किसी भी केस से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, वहां से आपको पूरी डिटेल मिलेगी, उस तरीके से आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।